डियर स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास्ट डे वी विल डो क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट टू इन फिगर सिक्स पॉइंट थ्री जीरो इफ ए बी पैरल सी डी जो ए बी लाइन है सी डी के पैरल है ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड जीईडी जीईडी ये एंगल आपको वन ट्वेंटी सिक्स गिवन है आपको ए जीई दिस जीई एफ दिस एंड एफ जीई और आपको ये तीनों एंगल फाइंड करने यहाँ पे देखिए एंगल जी ई डी वन ट्वेंटी सिक्स हमें गिवन है तो यहाँ पे देखिए एंगल एफ ई डी एफ ई डी ये कितना है नाइंटी डिग्री ये भी हमें गिवन है जी ई डी ये पूरा वन ट्वेंटी सिक्स है और एफ ई डी ये कितना है नाइंटी तो जी ई एफ एंगल जी ई एफ हमारा कैसे जी ई e एफ ये कैसे निकलेगा एंगल जीईडी जी में से माइनस करेंगे एंगल एफ ई डी एफ ई डी वन ट्वेंटी सिक्स में से नाइन्टी हमने माइनस कर दिया तो ये हमारा कितना आएगा थर्टी सिक्स डिग्री उसके बाद हमें कौन सा निकालना है ए एंगल ए जो हमारा ये एंगल है ए ये किसके इक्वल होगा जीईडी के एंगल जी ई डी कैसे अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं पैरल लाइन के बीच में तो एंगल ए जी ई जी डी हमें कितना दे रखा है जीवन वन ट्वेंटी सिक्स तो ये हमारा कितना आ गया वन ट्वेंटी सिक्स अब देखिए इन ट्रैंगल जी ई एफ जी ई एफ इसमें देखिए हमने ये जो हमारा पूरा हमें कौन सा निकालना है यहाँ पे ट्रैंगल जो हमारी जी ई एफ है इसमें देखिए एंगल जी एंगल ई e, एंगल एफ तीनों को मैंने फुल फॉर्म में लिखा वन एट्टी एफ जी ई एफ जी ई जो हमें फाइंड करना है एफ जी ई e, प्लस में जी ई एफ ई एंगल हमारा कितना थर्टी सिक्स और ई एफ जी ये हमारा कितना है 90. इज इक्वल टू वन एट्टी एंगल एफ जी ई और ये आपका हो गया वन ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू वन एट्टी एंगल एफ जीई वन एटी माइनस में वन ट्वेंटी सिक्स और ये आपका कितना आएगा फिफ्टी फोर एंगल एफ जी ई आपका आ चुका फिफ्टी फोर नाउ कम टू फोर्थ सम हमें ये यह यहाँ पे गिवन है पी के लाइन हमारे किसके पैरेलल है एस टी के एंगल पी के ओ आर वन टेन हैटी है, है. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ड्रा ए लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू पी क्यू थरो आर थरो आर आर से थरो होके हम एक पैरेलल लाइन ड्रा करते पी क्यू के पैरेलल है तो वो एस टी के भी होगी क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं अब यहां पे ये एंगल और यहाँ पे ये अब देखिए नाउ एंगल पी क्यू एंगल पी क्यू आर प्लस में यहाँ पे एक्स लीजिए यहां पे वाई एंगल क्यू आर एक्स एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू वन एटी इंटीरियर एंगल सम इंटीरियर एंगल सम आल्सो एंगल ये हमारा क्या है आर एस टी एंगल आर एस टी प्लस में एस आर वाई एंगल एस आर वाई ये भी क्या होगा वन एट्टी और सिमिलरली इंटीरियर एंगल सम क्या होता है वन एट्टी तो यहाँ पे देखिए यहाँ से मैं क्या निकालती हूँ एंगल क्यू आर एक्स वन एट्टी में से पी के आर की हमारी वैल्यू क्या थी पी के आर की वैल्यू वन टेन माइनस हो गया वन टेन तो ये कितना आ गया सेवनटी एंगल क्यू आर एक्स हमारा क्या आ गया सेवनटी सिमिलरली आर एस टी की हमारी वैल्यू क्या है 130 प्लस में एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू वन एंगल एस आर वाई वन में से 130 थर्टी हो जाएगा ये हमारा क्या आ गया 50 एंगल एस आर वाई क्या आ गया है 50 तो इधर वाला एंगल 50 आ गया और इधर वाला हमारा क्या आ गया है 70 नाउ एक्स आर वाई इज ए लाइन एक लाइन पे टोटल एंगल क्या होता है 180 एटी स्ट्रेट लाइन पे एंगल सम क्या होता है एक्स आर वाई स्ट्रेट लाइन है वन एटी देखिए क्यू आर एक्स आर क्यू क्यू आर एस और एस आर वाई तीनों का सम क्या होगा वन जो हमने दोनों एंगल फाइंड किए हैं यहाँ पे पुट कीजिए एंगल क्यू आर एस सेवनटी फिफ्टी वन एंगल क्यू ऐसा आपका आ गया 180 माइनस में वन ट्वेंटी टू सिक्सटी डिग्री नाउकम टू दिफ्थ सम फिफ्थ सम में आपको ए बी लाइन पैरल दे रखी है सी डी के, के आपका एंगल है, 50, दी आपका 127 है आपको क्या करना है फाइंड करना है आपको एक्स एंड वाई तो यहाँ पे देखिए ए पी क्यू एंगल ए पी क्यू इक्वल होंगे पी क्यू आर के पी क्यू आर पैरल लाइन के बीच में देखिए ये ऐसे एंगल होते हैं तो ये आपस में क्या होते हैं इक्वल आप बोलोगे अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं इक्वल तो ए पी क्यू आपका क्या है फिफ्टी और एंगल पी क्यू आर आपका क्या आ गया पी क्यू आर जिसका नाम क्या है एक्स तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ गई है यहां से 50 डिग्री नाउ यहां पे देखिए ए सॉरी यहां पे पी आर डी एंगल पी आर डी आपको कितना है 127 गिवन है और ए पी आर एंगल ए पी आर इज इक्वल टू होगा एंगल पी आर डी सिमिलरली अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल ए पी आर किसके इक्वल होगा पी आर डी की ए पी आर किससे मिलके बना है फिफ्टी प्लस वाई से इज इक्वल टू वन ट्वेंटी सेवन वाई वन ट्वेंटी सेवन माइनस में फिफ्टी तो जो एंगल वाई हमारा क्या आ गया सेवेंटी सेवन एंड एक्स इज फिफ्टी डिग्री